मैं दोनों को हाथ में पहनूंगा क्योंकि धूप लग रही थी आँख पे, तो मैं रास्ते अब जा रहा रास्ते से। सो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे आज के न्यू वीडियो पे। मैं आज जा रहा हूँ बलरामपुर और देख सकते हो इधर पे धूप बहुत है, मतलब इतना कितना 26 डिग्री सेल्सियस में गर्मी है, इतना खास गर्मी नहीं है, मतलब हम जा सकते हैं साइकिल से। और अभी इस ड्रेस में तो जा नहीं सकता हूँ, अभी चलो ड्रेस से चेंज करते हैं फटाफट और साइकिल को निकालते हैं और हम चलते हैं अपना राइड पर बलरामपुर। तो मिलता हूँ आपको ड्रेस चेंज करते और साइकिल निकालते हुए। गाइस देख सकते हैं हमारी साइकिल तैयार खड़ी है, ये साइकिल और ये साथ में मेरे पूरे राइडिंग गियर्स। अब इसको मैं दोनों को हाथ में पहनूंगा और इसको साइकिल के इधर पे लगाया जाएगा, ऐसे ऐसा ही पूरा साइकिल के इधर लगा दूंगा कि कभी कभी मेरे पास जेब नहीं है ना, तो इसको मोबाइल इसके अंदर रख दूंगा। और ये मेरे एयरबड्स, इससे मैं गाने सुनूंगा वरना फिर मैप के लोकेशन का आवाज़ सुनूंगा। और ये बैग कभी भी काम आता है, इसके लिए कंधे पर रख देता हूँ। और ये ग्लव्स हाथ में पहनने के लिए, और ये समझ गए रहेंगे इसको चश्मा बोलते हैं, इसको मैं पहनूंगा, अभी पहन के बताता हूँ आपको। इसको मैं पहन के आप लोग को वीडियो पूरा नजारा दिखाऊंगा, व्यू दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ ये पूरा पहन के, पूरा सेटअप होके। तो चलो गाइस मैं अब पूरा सब सामान पहन चुका हूँ, देखो बैग पहन चुका हूँ, ये पहन चुका, और ये कैमरा पकड़ने के लिए, और ये हमारा ये भी लग चुका है। तो अब चलते हैं अपने राइट पर, साइकिल को निकालते हैं, अपने राइट पे चलते हैं बलरामपुर। तो गाइस घर पे मैं अपना पानी का बोतल भूल गया था, तो अभी जा गया था पानी का बोतल लाने साइकिल को इधर खड़ा करके, एक को देख के गया था वो चला रहा था थोड़ा, अभी जाता हूँ अभी साइकिल लेता हूँ, अभी जाता हूँ फिर बलरामपुर। वो सामने उधर लेके खड़ा है। तो चलो अभी साइकिल डायरेक्ट आपको मिलता हूँ रोड पर। सो गाइस फाइनली अब मैं फुलेरिया घाट पहुंच चुका हूँ, यहाँ से हमने चला हाईवे से, बस थोड़ा थोड़ा अभी सीधा सीधा जाएंगे, पूरा सीधे रास्ता समझ जाओ। तो पूरे सीधे रास्ते पे जाते जाते अपने को आएगा बलरामपुर, बस एक दो राइट लेफ्ट रहेगा फिर तो पूरा सीधा ही है। फिर बलरामपुर यहाँ से अपने को है 23 किलोमीटर और 30 डिग्री सेल्सियस की गर्मी। चलते हैं अभी राइट पर, आपको पीछे का दिखाता हूँ अपने इस कैमरे में, इसके चेस्ट माउंट पे लगा के कुछ। तो लेट्स गो गाइस फॉर बलरामपुर राइट। ये हमारा एक महीने बाद साइकिल चला रहा हूँ, इसके लिए थोड़ा थक गया था क्या अभी भी थका ही हूँ, मतलब एक महीने बाद साइकिल छुआ रहा तो इसके लिए थक गया। तो गाइस चलो अभी चलते हैं आगे। और गाइस एक बात और पूछने का था आपको कि मेरे वीडियो में आप लोग को सॉन्ग चाहिए या फिर वॉइस ओवर, कमेंट में लिख देना। वॉइस ओवर चाहिए तो कमेंट में वॉइस ओवर हैशटैग वॉइस ओवर चल लिख देना, और सॉन्ग चाहिए तो हैशटैग सॉन्ग लिख देना। तो गाइस चलते हैं अभी यहाँ से, अपने को सीधा सीधा जाने का है, और साथ में गाइस अपने को बोतल होल्डर लेने का है, साइकिल का बोतल होल्डर आता है ना, साइकिल का बोतल होल्डर भी लेने का है। तो अभी देखते हैं कितने का मिलता है आपको। मुंबई में तो 99 रुपये का मिल जाएगा, इधर पे पता नहीं कितने का मिलेगा। डुप्लीकेट ही लेने का है, रियल सिर्फ बोतल रखने का है, चढ़ के नहीं जाने का उसके ऊपर। इस वीडियो में तो अभी सॉन्ग यूज करूंगा मैं, सॉन्ग और म्यूजिक। और अगर आप लोग को आगे वीडियो में चाहिए तो फिर बता देना कमेंट में कि आगे वीडियो में भी सॉन्ग चाहिए हमको, वरना सॉन्ग नहीं चाहिए तो कमेंट में लिख देना नो सॉन्ग, हैशटैग नो सॉन्ग। तो मैं सिर्फ वॉइस ओवर करने की पूरी कोशिश करूंगा।
कुछ आगे मिलता हूँ, क्योंकि अभी मेरे को यहाँ से थोड़ा स्पीड पकड़ लेता हूँ, स्पीड में जाता हूँ। 20-22 किलोमीटर जाने का, तो मेरे को रात में लेट नहीं आने का, इसके लिए थोड़ा आगे जाके आप लोग को दिखाना स्टार्ट करता हूँ, सीधा बाजार से स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस चलो मिलते हैं आपको आगे। सो हेलो गाइस, फाइनली मैं अभी इटवा चौराहा के बाजार में पहुँच चुका हूँ। तो इधर ये पूरा इटवा चौराहा का बाजार है, देख सकते हो, अभी आप लोग अच्छे से दिखाता हूँ। ये पूरा देख सकते हो, ये इटवा चौराहा का बाजार है, ये पूरा इटवा चौराहा का बाजार है। अभी आप लोग को यहाँ से एकदम ये रास्ता पकड़ के पूरा सीधा जाने का, फिर एक तुलसीपुर का बाजार आएगा, मतलब बल्लामपुर चौराहा आएगा, फिर वो बल्लामपुर चौराहा से आप उनको फिर थोड़ा और आगे जाने का, क्योंकि वो बल्लामपुर चौराहा है और तुलसीपुर भी एक तरफ चौराहा है, वो भी तुलसीपुर चौराहा है। तो अभी यहाँ से चलते हैं सीधा, चलना है करते हैं बल्लामपुर के लिए। वो इधर पे आगे बोर्ड लगा है, उधर पे आप लोगों को पता लगेगा बल्लामपुर कितने किलोमीटर पे है। तो चलो अब वो बोर्ड तक के आप लोगों को दिखाता हूँ कि बल्लामपुर कितने किलोमीटर पे है, कितने का है। इधर पे रोड ऐसा है ना, पूरा स्लोप क्या है, तो थोड़ा मजा आ रहा है चलाने के लिए, क्योंकि पूरा स्लोप है और हम लोग को तो डाउन हिल बहुत पसंद है। साइकिल जो भी साइकिल चलाता है ना साइकिलिस्ट, उसको डाउन हिल बहुत पसंद रहती है, लेकिन अपर हिल बहुत बेकार लगती है, क्योंकि हिल पे चलाने के बाद ऐसा थकान होती है ना, आधा रास्ता भी नहीं चढ़ पाते जल्दी। और मेरी साइकिल तो देख सकते हो एकदम मोटी है, बहुत ज़्यादा खाली है। सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं कि बल्लामपुर कितने किलोमीटर पे है। बल्लामपुर 27 किलोमीटर है, लखनऊ 220, और अबे उस सबसे मतलब हम लोग को मतलब नहीं छोड़ो, बल्लामपुर 28 किलोमीटर पे। तो अभी देखते हैं, हमको तो लगा 23 किलोमीटर था अपने घर से, तो अभी देखते हैं 27 किलोमीटर है, अरे कर लेंगे वैसे आराम से। तो हम चलते हैं अभी राइट पर, चलते क्या निकल तो चुके हैं, पूरा जाएंगे राइट पे, ये हुई बात। चलो चेक दिस व्यू, पेट्रोल भरा लो क्या रिलायंस के, इसमें पेट्रोल नहीं छोड़ो यार, तो फुल है टंकी। बल्लामपुर आ रहे भैया, आ रहे बस कुछ ही टाइम में। ये देखो सामने जो दिख रहा है गाइस, वो बाजार, इसको बोलते हैं तुलसीपुर का बाजार। और थोड़ा और आगे सीधा जाएंगे ना, तो उधर पे आ जाएगा तुलसीपुर का बाजार, उस बाजार का नाम है नवी बाजार। और हमको तो नवी बाजार अभी पिछले वीडियो में, अगर ऊपर आप लोग को नवी बाजार का वीडियो देखने का है तो ऊपर देखो आई बटन क्लिक करो, आ जाएगा। देखा गाइस, ये है नवी बाजार। सर्विस रोड से आपने चलना स्टार्ट किया, तो सर्विस रोड भी पूरा, सर्विस रोड अभी आगे है नहीं। अगर आप लोग यहाँ तक की वीडियो देखे हुए तो मेरा वीडियो लाइक करो और शेयर भी कर दो, कि आप बाकी लोग देख सकें कि मैं किधर पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। थोड़ा गाइस इधर रुक जाओ आराम करने के लिए, साइकिल रूम पे खड़ी थी, कब से रूम पे चल रही थी, मैं भी थोड़ी देर बैठ जाता हूँ भाई, पीछे मत चले जाना, जा चला। इसको चलाने का मन कर रहा था तो इसको बोला फोटो खींच दे, फिर चला दे, दो फोटो खींचा है। तो इस पर्सन ने कैसा फोटो खींचा है वो आप लोगों को अगर देखने का है
तो मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, कहीं साइड में नाम लिख के आ रहा होगा, जाके इंस्टाग्राम में सर्च मार के फॉलो करो, फॉलो करो गाइस, फॉलो करो हमको, फॉलो करो और साथ में सब्सक्राइब भी कर देना थोड़ा। ये बच्चा अभी साइकिल लेके आ गया मेरा, तो अभी चलते, अपना रेस्ट भी हो गया है, अभी हम चलना स्टार्ट करते आगे। तो गाइस आगे 500 मीटर पे क्या है, टोल प्लस मतलब टोल नाका है आगे, अपना पैसा लेगा कि नहीं पता नहीं, अरे नहीं लेगा, साइकिल और बाइक होने का नहीं लेता पैसा। तो गाइस टोल नाका ये पार करने वाले, अभी मेरे को लगा मेरे लिए गेट बंद, लेकिन यहाँ से दूसरा गेट चालू। ये टोल नाका थ्री पॉइंट में पार, टोल नाका फ्री फंड में पार। आती है गुजर आता है आसमान, बस 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 ताप ज्यादा मत का। तो गाइस अभी चलते, टोल नाका तो पार हो गया है, डायरेक्ट स्पीड पकड़ के डायरेक्ट आपको मिलता हूँ बल्लमपुर के बाजार में। सो गाइस तकरीबन 12 किलोमीटर सिर्फ चला है, देखो पसीना वसीना सब आ गया और साइकिल भी थोड़ा गर्म हो गई थी, इसके लिए छाव में थोड़ा बैठा हूँ पेड़ के नीचे, लेकिन वो सूरज भैया बहुत परेशान कर रहे हैं, सूरज भैया बहुत परेशान कर रहे हमको, अभी आराम से थोड़ा बैठता हूँ इधर पे, और सामने क्या मस्त व्यू दिख रहा है आप लोग को देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो, इतना मस्त व्यू दिख रहा सामने। बस अपने को और 20 किलोमीटर चलने का है, बस 20 किलोमीटर और चलने का है, तो अभी 5-6-15 मिनट 10 मिनट ज़्यादा थोड़ा आराम करके फिर चलता हूँ, कंटिन्यू इतना साइकिल नहीं चलाने का क्योंकि थकान हो जाएगी, साइकिल के साथ ऐसा लेटा पड़ा हूँ। तो अभी मिलता हूँ आपको, डायरेक्ट बल्लमपुर में मिलने बोला था पहले, अब यहाँ पे थोड़ा आराम करो इसके लिए अभी यहाँ पे, फिर आगे कहीं आराम करूँगा तो वहाँ पे मिलूंगा, वरना डायरेक्ट इस बार तो डायरेक्ट बल्लमपुर में शायद मिल जाऊँगा इस बार, क्योंकि अभी थोड़ा 15-20 मिनट आराम करूँगा, फिर एक बार डायरेक्ट पहुँच जाऊँगा। तो मिलता हूँ आपको डायरेक्ट बल्लमपुर, वरना कहीं आराम कर रहा हूँ उधर, बाय बाय। सो हेलो गाइस, ये चश्मा कैसा लगा बताना मेरे को, क्योंकि धूप लग रही थी आँख पे, तो रास्ते में एक बंदा था मतलब कान वाला था, बेचते बेचते जा रहा था 50 रुपया, तो मेरे को उसने 30 रुपये में दे दिया, क्योंकि धूप मेरे को लग रही थी, तो मैं बोला कितने का दे रहा भाई, तो बोला आपके लिए 30 रुपया, तो बोला ठीक है 30 रुपये का दे दे, तो मैं 30 रुपये का ले लिया। आप लोगों को बताना कैसा ये चश्मा लगा, मेरे को तो अच्छा लगा, इसके लिए मैं ये कलर का चश्मा ले लिया। बस अभी 10 किलोमीटर बाकी है बल्लमपुर पहुंचने में, तो चलो आगे चलते। सो गाइस ये है पूरा बल्लमपुर का एरिया, आप देख सकते हैं पूरा बल्लमपुर का एरिया है, बल्लमपुर का एरिया है, और साथ में इधर बाजार भी लगता है, इधर जाना पड़ेगा राइट लेफ्ट में। तो अभी वो देखो सामने, देखो अभी तुलसीपुर 27 मतलब समझ गया, अभी तुलसीपुर 27 किलोमीटर मेरे को जाने का है। सो गाइस मैं आया था बल्लमपुर घूमने के लिए, तो अब देख रहे हो पीछे दो अच्छे लोग, पांच छह लोग हैं, तो हम लोग सब लोग इन लोग सब लोग को साथ देखो रास्ता बता रहे, तो मैं रास्ते से अब जा रहा हूँ, रास्ते से अब देखो हाय कर रहे, रास्ता नहीं पता है तो इन लोग घुमा रहे मेरे को, रास्ता बता रहे, तो अभी चलता हूँ। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, तो इसी बात। हेलो गाइस, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड आई विल कम सून। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगा बताना, और चश्मा कैसा लगा, चश्मे के साथ मुंबई कैसा लगा बताना, तो बाय बाय।
आई विल कम सून।